नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ मुमरा माहिम पायधुनी के बाद अब धारावी पुलिस स्टेशन में भी हुआ दर्ज मामला। हमारे सरकारी दो आलम के ऊपर बोलने से पहले उसको ये सोचना चाहिए तू बोल रहा किसके बारे में, किनके बारे में, जिनके ऊपर हमारे माँ बाप, हमारे बाल बच्चे, हमारी औलाद कुर्बान, हमारी जान कुर्बान, उनके बारे में बोल रहा है। सलाम आना चाहिए, उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है वो। FIR के बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हमको बाहर जाके भले रोड पे लेटना पड़े। धारावी कर हमेशा मिलजुल के रहे और मिलजुल के रहेंगे। ये बाहर के लोग आए थे कुछ माहौल खराब करने के लिए, उनके ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। देखो संविधान तो सबके लिए एक है, भले सरकार उसको नहीं माने संविधान को, लेकिन हम उनको बनवाना जानते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो हम जन आंदोलन भी करने को। हमारे सलमान अजरी ने तो एक शेर बोला था तो उनको आज तक जेल में रखा गया है। इन्होंने तो हमारे नबी करीम पर अफसद बोला है तो इनको क्यों बाहर रखा जाएगा। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आपने देखा कि शुक्रवार की देर रात से ही लगातार मुंबई के अलग अलग जगहों पर जो रामगिरी महाराज उनके खिलाफ शिकायतें जा रही थी, अब इस शिकायत को लेकर शनिवार की देर रात को पायधोनी पुलिस स्टेशन, रविवार की रात को माहिम पुलिस स्टेशन और जो है ऐसे अब धारावी पुलिस स्टेशन, ऐसा मुंबई में ये तीसरा मामला दर्ज हो चुका है। धारावी से जो शकील शेख ने FIR दर्ज करवाई है उनसे बातचीत करेंगे कि FIR दर्ज करवाने में कितनी कठिनाइयां आई और लगभग ये जो मामले दर्ज हो रहे क्या इसका रिजल्ट आगे जा करके जो है कुछ अच्छा निकल सकता है। तो हमारे साथ शकील शेख जो इस मामले के कंप्लेनर है, धारावी पुलिस स्टेशन आप गए, ये तीसरा मुंबई से FIR आपने दर्ज करवाया है, कितनी जद्दोजहद लगी और क्या पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा? पुलिस प्रशासन का सहयोग तो हम लोगों को समझाने में था। हम लोग जब यहाँ से सारे लोग गए, बहुत से लोग थे वहाँ गए, तो हमारे को सबसे पहला तो समझाने का ही काम हुआ। पहले लॉ एंड ऑर्डर पुजारी साहब आए, बाहर मिले, वो समझाने की कोशिश किए, हम लोग नहीं माने। आजू बाजू उनके ऑफिसर थे, वो समझाने की कोशिश किए, हम लोग नहीं माने। बाद में सीनियर PI ने, PI ने हम लोगों को 10-12 लोगों को अपने केबिन में बुलाया, बाकी लोगों को बोला बाहर रुको, क्योंकि केबिन में जगह ही होती थी। अब वहाँ गए तो सीनियर साहब ने भी हमारे को समझाने की कोशिश की है कि भाई देखो FIR उधर हो गई है, अब यहाँ पर FIR का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है, ऐसा उन्होंने जो भी SYZ समझाया हम नहीं माने। बाद में नहीं मानने बाद में सीनियर साहब ने DCP मैडम को फ़ोन लगाया, DCP मैडम का फ़ोन आया, बोले लोगों को बाहर से हटाओ, बहुत क्राउड हो गया है, हमको फ़ोन आ रहा है। ठीक है, हमने बोले पब्लिक को भाई जाओ FIR की बात हो रही है, नहीं होगी तो फिर कल, फिर सुबह है, फिर कल देखा जाएगा, ऐसा बोल के मैंने उनको पब्लिक को हटा दिया। तो कुछ सब समझदार लोग धारावी कर चले गए अपने अपने जगह पे, अपने अपने घर। हमने बोला कि हमको FIR के नीचे कुछ नहीं चाहिए, FIR के बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हमको बाहर जाके भले रोड पे लेटना पड़े, हम नहीं जाएंगे, हमको FIR चाहिए। फिर सीनियर साहब ने अकेले में जाके मैडम से बात किया, सीनियर साहब हम कंट्रोल किया, बाहर के लोग आए थे दंगा करवाने लेकिन नहीं कर पाए, करवा पाए, क्योंकि धारावी कर चाहते ही नहीं आपस में लड़ना। धारावी कर हमेशा मिलजुल के रहे और मिलजुल के रहेंगे। ये बाहर के लोग आए थे कुछ माहौल खराब करने के लिए, उनके ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, तो सीनियर साहब ने उसमें भी बहुत मेहनत किया था और उनको कामयाबी मिली और सब हम लोगों ने उनकी बात माना था। 15 अगस्त में भी हम लोग हिंदू मुसलमान मिलके FIR हो गई है, अभी अगला कदम क्या रहेगा, क्या मांग रहे? अगला कदम ये रहेगा कि गिरिराज सिंह महाराज के ऊपर FIR तो हो चुकी है, अब उनको अरेस्ट कराने का काम हम लोग करेंगे। लगता हो पाएगा क्योंकि उलमाए कराम है, तमाम लोग है और मुंबई ये तीसरा मामला है, तो क्या लगता है मुंबई पुलिस जाएगी वहां तक? देखो संविधान तो सबके लिए एक है, भले सरकार उसको नहीं माने संविधान को, लेकिन हम उनको बनवाना जानते हैं। अगर नहीं मानेंगे तो हम जन आंदोलन भी करने को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्टेज पर ही कहना था कि संतों का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं इन्हें कुछ भी परिस्थितियों में इनके साथ खड़े रहूंगा, तो क्या ये परिस्थितियों में लगता है कि सरकार का पूरी तरीके से साठगांठ है, जो मामला दर्ज होने के बाद एक नोटिस तक नहीं गई है? देखो शिंदे साहब क्या आप बोलते हैं मुझे तो मालूम नहीं उस बारे में, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मुझे अपने संविधान पे भरोसा है। जो संत महान जो रामगिरी है उनका एक मीडिया चैनल पर इंटरव्यू आया, उन्होंने इस मामले पर अब तक ये कहा है कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, खुद धार्मिक जो अगर किताब पढ़ी जाए मौलाना मुफ्तियों को देखा जाए तो वो भी यही चीज़ का जिक्र कर चुके हैं, मैंने कुछ नया नहीं कहा है। उन्होंने आधी बताया है, जो बताया है सच्चाई उन्होंने आधी बताया है, बारीक पूरी सच्चाई उन्होंने नहीं बताया। आज से पिछले जमाने में चले जाओ, आज भी राजस्थान में
छोटी छोटी बच्चियों के साथ शादी होती है, लेकिन उनका गौना उनकी विदाई कब होती है, बालिग होने के बाद, वो उनको मालूम नहीं है, महंत को तो नहीं मालूम है, तो फिर मत बोलो ना, पहले मालूमत हासिल कर लो। हमारे सरकारी दो आलम के ऊपर बोलने से पहले उसको ये सोचना चाहिए तू बोल रहा किसके बारे में, किनके बारे में, जिनके ऊपर हमारे माँ बाप, हमारे बाल बच्चे, हमारी औलाद कुर्बान, हमारी जान कुर्बान, उनके बारे में बोल रहा है। शर्म आना चाहिए, उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है वो। अभी जिस तरीके से 2023 का जो भारतीय न्याय संहिता है वो न्याय दिलाने के लिए लाया गया है, 8 सेक्शन के तहत भारतीय न्याय संहिता में FIR दर्ज की गई है, क्या लगता है न्याय मिलेगा? संविधान पे तो भरोसा है कि मिलेगा। अगर ऐसे हेट स्पीच पर क्या मामला होना चाहिए, आपको क्या लगता है कैसी सजा होनी चाहिए? जैसे उन्होंने सलमान अजहरी के साथ किया था वैसे इनके साथ भी होना चाहिए, इनको भी पासा के तहत जेल में रखना चाहिए। महाराष्ट्र का NSA, महाराष्ट्र का NSA तो महाराष्ट्र NSA लगा है, लेकिन उसको जेल में रहना चाहिए क्योंकि उसने सलमान अजहरी से ज्यादा अपशब्द कहा है, ज्यादा बुरा बोला है। हमारे सलमान अजहरी ने तो एक शेर बोला था तो उनको आज तक जेल में रखा गया है, इन्होंने तो हमारे नबी करीम पर अपशब्द बोला है, तो इनको क्यों बाहर रखा जाएगा? हम लोग करेंगे इसको फॉलो, नहीं अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो हम जन आंदोलन करके जहां पर नासिक में FIR है वहां पर भी जाएंगे, हमने धारावी में तो FIR किया है, यहां भी करेंगे और वहां भी जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे अभी धारावी कर किस तरीके का अपील यहां से देना चाहेंगे? जैसे मुस्लिम इलाके है, मुमरा है, कुरला है, भिवंडी है, थाने, राबोड़ी, ऐसे तमाम इलाके में मुसलमान जा तो रहा है लेकिन सिर्फ ज्ञापन लिया जा रहा है, उन लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि जैसा यहाँ FIR हुआ है वहाँ पर भी FIR हो। और ये FIR मकसद नहीं है, मकसद ये है कि दोबारा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसा मिसगाइड नहीं करे, अपशब्द नहीं बोले, हमारा मकसद वो है। कहीं पे भी FIR ना हो या FIR हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना इस बात से है कि दोबारा ऐसा कोई भी किसी के भी धर्म के बारे में उल्टा सीधा ना बोले। अगर कोई दूसरे धर्म के बारे में बोलता है तो वहाँ पर उस धर्म के लोग को ही उस आदमी का विरोध करना चाहिए। अगर ऐसे ही सब लोग एक दूसरे के भगवान के बारे में बोलना चालू करे तो फिर ये देश में दंगा हो जाएगा। तो जो भी बोलता है, जैसे अगर कोई मुसलमान ही किसी और धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो मुसलमान लोगों को ही आगे आके उसके ऊपर FIR करवाना चाहिए, इससे ही ये सारी चीज़ें रुक सकती हैं। ये तमाम लोगों का जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर FIR होना और उसी के साथ साथ पूरे देश भर में जिस तरीके से ये सांप्रदायिकता तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस पर ये देखना है कि सरकार जो इस पर अलग अलग तरीके से कानून लाती है वो किस तरीके से सारी चीज़ों को कंट्रोल करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का काम करती है। और जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर FIR की मांग बढ़ रही है उसको देखकर यही लग रहा है कि अब आने वाला काफ़ी मुश्किलों भरा दौर रहेगा महंत रामगिरी महाराज को लेकर। कैमरामैन नावेद कुरेशी के साथ मुंबई TV।